शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुरानी शिवपुरी क्षेत्र के रेड लाइट एरिया में आज मध्य प्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन द्वारा आज वैक्सीनेशन केंद्र का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी रेड लाइट एरिया के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान मीरा सोनी, जिला समन्वयक रामस्वरूप सिकरवा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रणवीर रजावत, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम जाटव, अंकुश शिवहरे, राधा लोधी एएनएम, राधा सोनी, आशा कार्यकर्ता, अर्चना बुंदेला कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरा सोनी है, मैं यहाँ शिवपुरी में जिला समन्वयक हूँ। मध्य प्रदेश वॉलंटियर हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से इसका हेड ऑफिस हमारा इंदौर है और ये पिछले 50 सालों से काम कर रहा है। इसके राज्य समन्वयक श्री मनीष सक्सेना जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम शिवपुरी जिले में जैसे 10 जिलों में हमारा कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। आज आपने ये कैंप लगाया है जी, कार्यक्रम किया है जी, कितने वैक्सीन लगा दी यहाँ पे? वैसे जब इसके 7 तारीख को हम लोगों ने एक सर्वे किया था, सर्वे में 33 लोग हमको मिले थे जो अनवैक्सीनेट पाए गए थे, उनका हम लोगों ने तरीके से सूचीबद्ध किया। फिर डीएमओ सर से कह के, डीआईओ सर से कह के यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज कराया। अभी तक मुझे लगता है कि 7 से 8 लोगों को लग गया है। क्या है कि कुछ लोगों को कोविशील्ड लग रहा है, कुछ लोगों को कोवैक्सीन है। जो कोवैक्सीन वाले सेकंड डोज हम उनको दे रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज में हमारे यहाँ पे कार्बोवैक्स दिया जा रहा है, वो अभी हमारे यहाँ पे जिले में उपलब्ध ना होने के कारण हम उनको तीसरा डोज देने के लिए वंचित हैं। अभी आपने यहाँ पर कैंप लगाया, मैसेज दिया आप लोगों को? यस, मैसेज गए हैं। हमारे जो कलेक्टर कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, ये घर घर जाके लोगों के साथ मिले हैं और उनसे पूछा गया कि आपको कितने टीके लगे हैं। किसी को फर्स्ट डोज लगा तो सेकंड नहीं लगा है, और जिसको सेकंड भी लग गया उनको थर्ड नहीं लगा है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए आज यहाँ पे कैंप आयोजित किया। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ की आईडी जनता, यहाँ के रहवासी कितना सा जागरूक हो रहे हैं? देखिए, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें तो हम तो ऐसे जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे लोग ट्राइब एरिया हो, जहाँ पे हमारी पहुँच बहुत दूर हो, ऐसे क्षेत्रों को हम चयन करते हैं। तो रामरूप सिकरवा जी, उनके मन में एक आया ख्याल कि इस एरिया को भी हम कवर करें, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा।